हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव जिसकी मदद से आप अपने पिंपल्स को सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर या फिर कहें तो एक दिन के अंदर आप रिमूव कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव शेयर करूंगी जो रियल में बहुत ही सरप्राइजिंग है, मतलब आपको एकदम सरप्राइज हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरे फेस पर, मेरे माथे पर यहाँ पर एक पिंपल निकला था जिसमें काफ़ी पस जमा हो गई थी। जिस तरीके से इसमें है, कुछ ऐसी पस जमा हो गई थी जो देखने में काफ़ी गंदी लग रही थी। तो मैंने क्या किया कि इस पर मैंने आपके साथ एक पिछले वीडियो जो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था पिंपल्स को ठीक करने के लिए तुलसी और हल्दी वाला नुस्खा, वो नुस्खा मैंने इस पिंपल्स पर ट्राई किया। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही वो पस जो पिंपल था, उस पिंपल में से वो पस पूरी तरह से निकल कर वो पिंपल जो एकदम से ठीक हो गया। बस उस जगह पर मेरा थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा रह गया था जो कि एक दिन के अंदर ही, मतलब हमने आइस रख की उस पर, तो वो ठीक हो गया। 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया था। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था तुलसी और हल्दी पाउडर वाला नुस्खा पिंपल्स को रिमूव करने के लिए, उससे क्या होता है कि वो आपके उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपके पिंपल को जो कीटाणु है, बैक्टीरिया, उनको खत्म करने में मदद करता है। तो उसकी मदद से जो सारा पस निकल गया और वो अपने आप ही ठीक हो गया। अगर आप पिंपल को अपने नाखूनों की मदद से उसे फोड़ दोगे तो उस जगह पर गड्ढे रह जाते हैं और उसके निशान भी रह जाते हैं। तो इस तरीके से ना फोड़ कर आप मेरे बताए हुए होम रेमेडीज को ट्राई करके अपने पिंपल्स को खत्म कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही 2 नुस्खे जो कि आपके पिंपल्स को रातों ही रात खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहला मेरा नुस्खा है जिसके लिए आपको चाहिए चुटकी भर हल्दी पाउडर। आप अपने पिंपल के हिसाब से ले सकते हो, अगर आपके फेस पर ज़्यादा पिंपल्स हैं तो आप उस हिसाब से हल्दी पाउडर ले लीजिए। तो फिर इसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा पानी। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो आप इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकती हो। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने पिंपल वाले एरिया पर इसे अप्लाई कीजिए और उसे लगभग 5 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और जब 5 मिनट बाद सूख जाए तो आप इसे नॉर्मल पानी से आप इसे धो लीजिए। फ्रेंड्स, इस उपाय को रात को सोने से पहले करने से ये आपके पिंपल को पूरी तरह से खत्म कर देगा और उसके साथ, और फ्रेंड्स उसके बाद इसके कोई भी निशान भी नहीं रहने देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी होता है कि कुछ लोगों के पिंपल्स को थोड़ा निकलने में टाइम लगता है, तो हो सकता है कि आपको 1 या 2 दिन भी लगे। तो आप इस नुस्खे को रेगुलर कीजिए। रेगुलर करने से ये आपके पिंपल को पूरी तरह से खत्म कर देगा और उनके दाग धब्बे भी नहीं रहने देगा। इसके अलावा मेरा दूसरा नुस्खा है जिसके लिए आपको चाहिए मस्टर्ड, यानी कि सरसों। तो ये सरसों के बीज हैं। इन सरसों के बीज को मैं कुछ इस तरीके से दरदरा इन्हें पीस लूंगी। फिर इसके बाद इसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा हनी, यानी कि शहद। दोस्तों, शहद में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके पिंपल्स के बैक्टीरिया को रिमूव करेगा और अगर आपके एक्सेस ऑयल है तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है और स्किन को भी डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स करके अपने पिंपल पर इसे अप्लाई कीजिए। आप चाहें तो आप इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर सकती हो। ऐसा करने से आपके फेस पर अगर छोटे छोटे दाने हैं या एक्ने स्किन पर किसी भी तरह के पिंपल्स हैं तो ये उसको रिमूव कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी दोनों वीडियोस अच्छे लगे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो, पहली बार आई हो, तो मेरे इस चैनल को जल्दी से नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उस पर क्लिक करने से मैं आगे जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।